बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रुबीना मैरिज ब्यूरो में आप सबको वेलकम कहते हैं। माशाल्लाह से हमारे भाई सेलेक्टर में हैं, अहमद उनका नाम है। माशाल्लाह से देखिए, जिला भटिया से उनका ताल्लुक है, रावलपिंडी के जिला भटिया से उनका ताल्लुक है। माशाल्लाह से पाक आर्मी में जॉब करते हैं। हमारे देखिए अहमद भाई सेलेक्ट हो चुके हैं दर्द ब्रेड रिश्ते के वाले से, तो अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करें। नेक दुआएं हमारे इनके साथ हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन अहमद भाई। और हम आज के रिश्ते की जान जाते हैं और देखते हैं कि इस रिश्ते की कौन सेलेक्ट होता है। हमारी नेक दुआएं बिल्कुल आने वाले रिश्तों के लिए और जो रिश्ते हम आपकी इज्जत में शेयर करते हैं, हमारी नेक दुआएं उनके साथ हैं। आज का जो रिश्ता है, देखिए ये रिश्ता एक मजबूर खतून का है जो कि सहारे की तलाश में, जिन्होंने हमारे मैरिज ब्यूरो में रब्ता किया कर लिया है और बड़ी उम्मीद ये करते हैं कि हमारे मैरिज ब्यूरो के जरिए इनको एक अच्छा सा जीवन साथी मिलेगा। इनका कहना है कि ऐसी खतून और ऐसी लड़कियों के रिश्ते हमने बहुत करवाए हैं, तो इनका भी रिश्ता करवा दिया जाए तो इंशाल्लाह ताला जरूर बहन हम आपका रिश्ता जरूर फरमाएंगे। इस रिश्ते के मुकम्मल डिटेल नोट फरमा लीजिए ताकि आप इस रिश्ते के लिए कॉन्टेक्ट कर सकें। नाम इनका जन्नत फातिमा है और उम्र इनकी 28 साल है। माशाल्लाह से बहुत ही नेक और अच्छी दिखे खातून हैं, लड़की हैं। माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हैं लेकिन अपाहिज हैं, तो ये सहारा चाहती हैं। दिखे ये दिखे सहारे के जरिए चलती हैं लेकिन फिर भी एक ये सहारा चाहती हैं ताकि आने वाले जिंदगी में खुशियाँ हों और दिखे हमेशा ये खुश रहें, आबाद रहें। आमीन इंशाल्लाह ताला। तो ऐसे जी हाँ, हमने ऐसे दिखे अपने मैरिज ग्रुप में, मुझे पता है कि अपाहिज भी लड़कियों के रिश्ते हमने करवाए हैं। माशाल्लाह से वो अपने घर में अपने ससुराल में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही हैं और इनका भी रिश्ता इंशाल्लाह ताला जरूर हो जाएगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला से कि इनके नसीब अच्छे करो और इनको भी उन लड़कियों की तरह रिश्ता मिल जाए। माँ बाप इनके नहीं हैं, जी हाँ इनके दो भाई हैं जो कि शादीशुदा हैं और वो अपनी बहन बहन को देखे अब बहुत समझते हैं। कोई सहारा नहीं है, एक ही अपने वालिदैन की देखे लाडली बेटी थी। जी हाँ, इनके पेरेंट्स अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। उनको पता था कि जन्नत फातिमा जो है वो मजदूर हैं और उनको परेशानी थी, लेकिन देखे वो कुछ नहीं कर सके, अपनी बेटी की शादी अपने जीते जी नहीं कर सके। उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला इनकी वालिदैन को जन्नत और फिरदौस में जगह दे और उनकी रूह को तस्कीन के लिए उनकी रूह को देखे उनकी रूह जाहिर सी बात कि वो भी देखिए इस वक्त मुश्किल में होगी कि उनकी बेटी के अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन उनकी रूह को सुकून मिलेगा, तस्कीन मिलेगी इंशाल्लाह ताला। हम करवाएंगे जन्नत फातिमा का रिश्ता अपने मैरिज ब्यूरो में। माशाल्लाह से मुकम्मल डिटेल हम आपको बताते हैं। माशाल्लाह से देखिए जन्नत फातिमा जो है वो FSC पास है। माशाल्लाह से इन्होंने देखिए जैसे तैसे भी ये कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, इन्होंने तालीम हासिल की। माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ती हैं, नमाज भी माशाल्लाह से पढ़ती हैं, चेयर पे बैठ के माशाल्लाह से नमाज भी पढ़ लेती हैं, लेकिन एक टांग में थोड़ी सी दिक्कत है, कोई परेशानी है। इन्होंने बहुत देखिए इलाज करवाने की कोशिश की लेकिन इलाज नहीं करवा पाई। अगर इनका इलाज हो जाता तो ये आज है वो चल पाती, क्योंकि ये पैदाइशी ऐसी नहीं है। जी हाँ, एक हादसे के कारण इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है और आज ये इस हालात में है। तो देखिए अगर इनके पास पैसे होते, इनका कोई इलाज करवाने वाला होता तो आज ये ठीक होती, अभी भी ये ठीक हो सकती है अगर इनको इलाज करवाने वाला मिले और इनके पास पैसे हों। देखिए इनके भाई जो हैं वो इनके कहने के बाद एक रन मुरीद हैं और वो जो है अपनी बीवियों के कहने का ही जो वो कहती हैं वैसा ही करती हैं, और देखिए सारा काम काज इस हालत में अपाहिज हैं फिर भी ये घर का करती हैं और देखिए उनके बच्चों को देखिए पाल रही हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही परेशान है और माँ बाप को जाहिर सी बात है कि याद करके रोती है, परेशान होती है। तो ये है हमारी आज का रिश्ता जो कि हम इनका जन्नत फातिमा का है। हमें हम जो है इनका रिश्ता जो है जरूर 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 इंशाल्लाह ताला करवाएंगे। तो इस रिश्ते की मुकम्मल डिटेल हमने आपको बता दी है। ये देखिए माशाल्लाह से देखिए इस्लामाबाद की रिहायशी पजीर खातून है जन्नत फातिमा, जिनका नाम है, अच्छी और पढ़ी लिखी है,
हमें इनका रिश्ता जरूर करवाएंगे, हमें आपके रास्ते का बेसब्री से इंतजार रहेगा और इस रिश्ते के लिए प्लीज कहीं से भी हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, मुस्लिम हैं, आप इस रिश्ते के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें और इस रिश्ते के लिए जरूर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।